गाइस पहले तो मेरे को ये बताओ, आप पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड के मैच में कितना पैसा विन करके आ रहे हो? जी हां, मैंने पाकिस्तान और नेदरलैंड के वीडियो में आपको स्टेटमेंट दे दिया था कि इस मैच में जितना आप चाहो उतना पैसा कमा लेना। क्यों? क्योंकि भाई सारे लोग पाकिस्तान के प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन करेंगे, बट मैंने आपको वीडियो में समझा दिया था कि डीलीडी आज आपका ट्रंप प्लेयर है, इसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। हमने किया, बंदा 4 विकेट लग गया, एक तरफा विन हुआ है। इसके अलावा बाकी जो और प्लेयर थे जिन्होंने परफॉर्म किया है, सारे के सारे हमने टीम में भरे हुए। अगर आपको देख रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर हमारे पाकिस्तान और नेदरलैंड की मैच की टीम देख सकते हो। पाकिस्तान और नेदरलैंड के मैच में अकेले मैंने लगभग 40 से 50 लाख रुपए की विनिंग करी है अलग अलग प्लेटफॉर्म के, जिसके विनिंग प्रूफ मैं मैच के जस्ट बाद आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने ऐसे विन किया है, और अगर आज आप विन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं भाई, पूरा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, अभी आपको इस मैच में विन करवा देंगे। बट विन वही लोग करते हैं भाई जो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वीडियो देखते हैं, ध्यान से एक एक चीज को नोट करते हैं और फिर इसको टीम बनाते वक्त अप्लाई करते हैं। जो कर रहे हैं वो विन कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो दबा के हार रहे हैं। तो हारने के लिए तो कोई फैंटेसी नहीं खेल रहा, जीतने के लिए खेल रहे हो ना भाई। कोई बात नहीं, आज इस मैच का वीडियो पूरा देख लेना, आज आपको इस मैच में विन करवा दूंगा। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी तरफ से उन भाइयों को बहुत सारी बधाई जिन्होंने इस वीडियो को सबसे पहले लाइक और कमेंट करके सीधे सीधे 25,000 रुपए जीत लिए। जी हां, करा कुछ नहीं है, बस आए सबसे पहले लाइक करा, कमेंट करा और पूरा वीडियो देख करके 25,000 रुपए जीत लिए। अगर आज आप मिस कर गए, अगर आज आप फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, इसके भी पूरे वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, हर एक मैच का वीडियो डालने वाला हूं, आप आगे आने वाले मैच के वीडियोस में फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट करके विन कर सकते हो। अब सोच रहे हो कैसे विन करें, सिंपल तरीका बता देता हूं आपको फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट करने का। भाई नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो उसको दबा दो, कोई पैसा नहीं कट रहा आपका सब्सक्राइब करने का, ठीक है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अब सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करने का फायदा ये होगा कि आगे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट मैच का, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप सबसे पहले आओगे, वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे और 25 से 50,000 रुपए आराम से विन कर लोगे जस्ट सिर्फ लाइक और कमेंट करके। हाँ, एक कंडीशन है भाई, आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा लाइक और कमेंट करके, तब आप विनर बनोगे। तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट यही करता हूं, अगर आप लाइक और कमेंट कर रहे हो तो प्लीज पूरा वीडियो देखा करो, अदरवाइज आपका लाइक और कमेंट भी वेस्ट चला जाता है, कुछ नहीं मिलता अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा हुआ है, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं कराया क्या अभी भी? भाई कर लो और बेल आइकन दबा दो। अब गाइस बात कर लेते हैं आज के मैच के बारे में, बांग्लादेश और आपका अफगानिस्तान का मैच। मैच कराएगा मॉर्निंग में 10:30 बजे, तो इसलिए अभी रात में ही सारे लोग पूरा वीडियो देख लेना और अपने यार दोस्तों को शेयर कर देना। वीडियो में आपको एक एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आज का मैच कहां खेला जाएगा, पिच कैसी होगी, कितना स्कोर बनेगा और सबसे इंपॉर्टेंट मैच कौन जीतेगी, और मैच कौन जीतेगी तो फिर परफॉर्म कौन करेगा, बांग्लादेश की कौन परफॉर्म करेगा और अफगानिस्तान की तरफ से कौन परफॉर्म करेगा, हर चीज क्लियर कर दूंगा जिससे कि आप अच्छी टीम बना करके किसी को भी हरा सकते हो, किसी को भी, है ना, हराने के लिए आए ना, तो पूरा वीडियो देख लेना। अब गाइस देखो, वीडियो में मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट आपको पता है जो विनिंग टीम होती है, जैसे मैंने पाकिस्तान और नेदरलैंड के मैच में विन किया है, वैसे विनिंग टीम ये यहां पर नहीं दे सकता, क्योंकि वो टॉस के बाद बनती है और टॉस के बाद मैं अपनी फाइनल विनिंग टीम डालता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी क्रिकेट ग्रुप पर। कहां पर? फैंटेसी क्रिकेट ग्रुप पर। अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ये चैनल ज्वाइन करना जरूरी है मेरी फाइनल विनिंग टीम के लिए। लगभग 12,20,000 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, जिनको फ्री में टीम दे रहा हूं और विन कर रहे हैं। आप पीछे मत रहो भाई, इतने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है तो आप भी कर लो। अब सोच रहे हो कि यार ज्वाइन करने का तरीका क्या है, सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। आपके फोन में टेलीग्राम ऐप होना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहां पर पहुंच जाओगे चैनल पे, नीचे ज्वाइन का बटन क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। जाओ भाई वीडियो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, अभी का अभी ज्वाइन कर लो, वीडियो बाद में देख लेना। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा तो टेलीग्राम पे सर्च करो फैंटेसी क्रिकेट ग्रुप, ब्लू टिक वेरीफाइड चैनल मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। जाओ जाओ पहले ये ज्वाइन करो, ये जरूरी है, बाद में वीडियो देख लेना। अब गाइस आगे हम बात कर लेते हैं आपसे फ्री की ओर, तो हमेशा की तरह विजन 11 पे इस मैच में भी आपको 50,000 रुपीज का फ्री की ओर मिल रहा है, ठीक है। मतलब सीधा सीधा
आपको कोई एंट्री फीस पे नहीं करनी पड़ रही, बस आपके फोन में विजल नेवर ऐप होना चाहिए। आप इस मैच में टीम बनाओ और ये फ्री गिवे ज्वाइन कर लो, आपकी टीम अच्छी गई तो 50 आपके। इतना आसानी से पैसा कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपके फोन में कोई दूसरी ऐप है तो मारो अनइंस्टॉल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, विजल नेवर को डाउनलोड करो और अपना फ्री गिवे खेलना स्टार्ट कर दो। पेड जो यहां पर मेगा लीग्स होती है 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए आप उसमें भी यहां पर विन कर सकते हो और बहुत आसानी के साथ विन होता है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, सारा इंडिया यहीं पर खेल रहा है। जितने भी स्मार्ट लोग हैं जिनको पता है कि पैसा कैसे बचाया जाता है, कैसे विन किया जाता है, सब इधर ही खेल रहे हैं। मैं भी इधर ही खेल रहा हूँ इसी एप्लीकेशन पे। लगभग मैं पाकिस्तान और नेदरलैंड के मैच में 25 से 30 लाख रुपए विन करने वाला हूँ। ठीक है, आप भी आओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, डाउनलोड करो और खेलना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सबसे बड़ी बात, जो भी GST इम्पोज हुआ है उसको भी इन्होंने अपनी तरफ से पे करना शुरू कर दिया है, मतलब यूजर से कोई भी GST चार्ज नहीं होने देंगे। अब गाइस आगे हम बात कर लेते हैं आपसे कि इस मैच में क्या क्या आपको डिलीवर करने वाला हूं, क्या क्या चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं जिससे कि आपकी फैंटेसी टीम बनाने में आसानी हो। मैच डिटेल्स देखो, सबसे पहले पिच रिपोर्ट होगी कि मैच कहां पर खेला जाएगा, पिच कैसी होगी, कितना स्कोर बनेगा, स्पोर्ट्स को क्या मिलेगा, प्लेयर्स को क्या मिलेगा, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा वीडियो में। उसके बाद हेड टू हेड परफॉर्मेंस श्रीलंका, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश और आपके अफगानिस्तान के बीच में जो अभी तक के मैच हुए हैं उनमें क्या क्या हुआ है, कौन कौन से प्लेयर हैं जो रेगुलर परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से प्लेयर हैं जो रेगुलर फ्लॉप होते हैं, जिनको आपने अपनी टीम बनाते वक्त ध्यान में रखना है। उसके बाद 25,000 का गिवअवे मैंने आपको फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट में दे दिया। अब 50,000 रुपए गिवअवे आपको मैं दूंगा वीडियो के बीच में दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ करके। अगर आप उन क्वेश्चंस का आंसर सही कर देते हो तो आपको 50,000 रुपए और मिल जाएंगे। उसके बाद प्लेइंग इलेवन के साथ साथ हर एक प्लेयर का मैं आपको पूरे स्टेट्स के साथ बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ग्राउंड पर कैसा खेला है, हेड टू हेड में कैसा खेला है, रिसेंट कैसा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। फिर आपको प्लेयर बटन दिखाऊंगा कि आपके तस्कीन के सामने कौन कौन से प्लेयर हैं जो आउट होते हैं, आपके मुस्तफिज के सामने कौन कौन से प्लेयर आउट होते हैं, राशिद खान के सामने कौन कौन से प्लेयर फ्लॉप होते हैं, जिससे कि आपको आसानी हो जाए प्लेयर्स को ड्रॉप करने में। ठीक है, और मैच प्रिडिक्शन आपको बताऊंगा कि इतना स्कोर बनेगा, 10 ओवर में क्या बनेगा, कौन प्लेयर कितना बनाएगा, कौन बॉलर क्या निकालेगा, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। और लास्ट में आपको दूंगा मैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम, ठीक है, जिससे कि आप स्मॉल लीग तो विन कर ही रहो साथ में 1 करोड़ भी आप आसानी के साथ विन कर सको। तो पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक चीज आपको समझ में आएगी और आप एक अच्छी टीम बनाने में सफल हो जाओगे। अब गाइस आगे हम बात कर लेते हैं मैच के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड, ये मैच कराएगा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, वेदर क्लियर होगा, बारिश के कोई चांसेस नहीं होंगे। पिच की बात करूं तो डिसेंट बैटिंग ट्रैक है, मतलब बहुत अच्छी बैटिंग यहां पर नहीं होती है, 350 नहीं बनते हैं, एक आप 250 के आसपास का टारगेट मान के चल सकते हो। ठीक है, बाकी जो बॉलर्स को यहां पर हेल्प मिलती है, पेसर और स्पिनर्स दोनों को लगभग बराबर, लेकिन विकेट्स थोड़े से पेसर्स के खाते में ज्यादा जाते हैं, वो शायद आप इसलिए मान सकते हो कि डेथ में बॉलिंग कराते हैं जिसकी वजह से एक आध विकेट एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब आगे क्या हुआ है मैं आपको पूरा ग्राउंड के बारे में आपको बताऊंगा। टोटल यहां पर 4 मैच खेले गए, पहले बैटिंग वाली टीम ने 1 जीता है और चेज वाली टीम ने 3 मैच जीते हैं, तो कोई भी टीम यहां पर टॉस जीत के चेज करना चाहेगी। अब स्कोर 214 का है और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, इस ग्राउंड में अभी तक 250 से ज्यादा सिर्फ एक बार बना है, वो भी 330 इंडिया ने बनाया, हर बारी 250 के नीचे स्कोर बना है 4 मैचों में। ठीक है, तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पिच कैसी है। मैं आपको 4 के 4 मैच दिखा देता हूं ना यार। लास्ट मैच इंडिया श्रीलंका, इंडिया 112 रन पे ऑल आउट हो गई, इंडिया जैसी टीम, ठीक है, 2017 की बात है। उस मैच में आप देखो कि पेसर्स को 11 मिले, स्पिनर्स को सिर्फ 2 मिले। उसके पहले एक साल और पहले मैच करा गया, उस मैच में न्यूजीलैंड की टीम 190 पे ऑल आउट हो गई। देख रहे हो, 2 मैच दोनों बार पहले बैटिंग वाली टीम ऑल आउट। इसमें आप देखिए 7 विकेट पेसर्स को मिले और 6 विकेट स्पिनर्स को, जिसमें पहली इनिंग में ज्यादा विकेट गिरे हैं, तो पेसर और स्पिनर्स को बराबर विकेट मिले हैं। उसके पहले एक और मैच खेला गया, इस मैच में पहले बैटिंग वाली टीम ऑल आउट नहीं हुई और उसने 330 बनाए। अदरवाइज उसके पहले मैच था 2013 का, उसमें भी पहले बैटिंग वाली टीम 226 बना के ऑल आउट हो गई। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पहले बैटिंग वाली टीम हाई चांस होते हैं कि वो ऑल आउट होती है, ठीक है, और बहुत बड़ा स्कोर बनता नहीं है। स्पिन और पेस में अगर हम देखें तो इस ग्राउंड पे जो पिछले 4 मैच खेले गए, पेसर्स को 36 विकेट मिले हैं, जिसमें पहली इनिंग में लगभग डबल मिले हैं, 13 सेकंड इनिंग मिले, 23 पहली इनिंग में मिले। स्पिनर्स की बात करें तो 17 में से 11 विकेट स्पिनर्स को भी लगभग डबल मिले पहली इनिंग में। तो जो टीम पहले बॉलिंग कराएगी उसके बॉलर्स को विकेट मिलने के थोड़े ज्यादा चांस होंगे। अब गाइस आगे हम बात कर लेते हैं हेड टू हेड, बांग्लादेश की टीम ने 9 जीते हैं, अफगानिस्तान की टीम ने 6 जीते हैं, लास्ट के 4 मैचों में 2-2 जीते हैं।
अब लास्ट के चार मैच भी देख लेते कि परफॉर्म कौन कौन से प्लेयर ने किया जिससे कि आपको सेलेक्शन में आसानी हो जाए। देखो बांग्लादेश की तरफ से हमें देखें तो लास्ट मैच बांग्लादेश ने 334 बना के विन किया था, इसमें मिराज 112 रन एक विकेट, चैन तो 104 रन, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई थी मेहदी हसन मिराज, नाम याद रखना, वो जो रचिन रविंद्र का जो रुद्र रूप है ना वो ये भी कभी कभी अपना लेते हैं अगर इनको टॉप ऑर्डर में भेजा जाता है। उसके बाद शकीब 32, तस्किन 4, शौरीफुल 3, इन प्लेयर ने लास्ट में जो परफॉर्म किया था। अब देखो रिपीट कौन हो रहा है, शकीब 32, शकीब 39 रन प्लस एक विकेट, ठीक है। उसके बाद शौरीफुल यहां पर 3 ले रहे हैं, शौरीफुल यहां पर 4 ले रहे हैं, रिपीट हो रहा है ना आपके, तस्किन यहां पर 4 ले रहे हैं, तस्किन यहां पर 2 ले रहे हैं, मिराज यहां पर 1 विकेट 12 रन 112 रन, मिराज ने 1 विकेट यहां पर भी लिया है, तो लगभग लगभग सारे प्लेयर रिपीट हुए स्वाय शैंतो का। अब इधर और कौन आ गया, शाकिब इधर भी आ गए 25 रन 2 विकेट, तो बेस्ट ऑप्शन होंगे कैप्टनसी के लिए क्योंकि हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। मुशफिकी 2 मैचों में परफॉर्म नहीं किया, इस मैच में जरूर अंतर बनाया। मिराज यहां पर भी रिपीट हो रहे 25 रन 2 विकेट, तो मिराज को मत छोड़ना भाई, ठीक है। मुस्तफिज इधर परफॉर्म नहीं किया बट इस मैच में 2 विकेट लिए, हालांकि शायद मुस्तफिज इन 2 मैचों में खेले ही नहीं थे, महमूद 2 विकेट यहां पर ले रहे, तो इनमें से तस्किन और आपके शरीफुल रिपीट नहीं हो रहे तीसरे मैच में। अब ये वाला मैच है इसमें हरिदोई, तस्किन और आपके शकीब, ये हो गया आपके बांग्लादेश के। अब अफगानिस्तान के हम देख लेते हैं भाई, अफगानिस्तान की तरफ से ना इब्राहिम जादरान गजब प्लेयर है, 75 रन 100 रन 41 रन नॉट आउट, बंदा फ्लॉप ही नहीं होता, आप वाइस कैप्टन के लिए जा सकते हो इनके साथ में। गुरबाज के भी ठीक है, इन 2 मैचों में तो गुरबाज ने परफॉर्म नहीं किया, बाकी इस मैच में गुरबाज ने 22 बनाए और एक मैच में 145 बनाए, बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं है, थोड़ा तेज खेलते हैं तो आउट भी हो जाते हैं, इसकी वजह से आपको कभी स्कोर दिखेगा तो बॉर्ड पर दिखेगा अदरवाइज जल्दी आउट हो जाएंगे। उसके अलावा फारूकी, फारूकी को देखिए 2 विकेट, फारूकी 3 विकेट और फारूकी 3 विकेट, फारूकी का भी गजब का परफॉर्मेंस होता है बांग्लादेश के अगेंस्ट। अब फारूकी के अलावा मुजीब 1 विकेट और इसके अलावा आपके मुजीब 3 विकेट और आपके मुजीब 2 विकेट, मुजीब भी बॉलिंग में काफी इंपॉर्टेंट बॉलर होंगे इस टीम के अगेंस्ट। बाकी नबी 1 विकेट यहां पर ले रहे हैं और नबी ने यहां पर आप देखोगे 25 रन 1 विकेट और नबी ने यहां पर लिया आपके 1 विकेट। राशिद को एक ही मैच में 2 विकेट मिले, अदरवाइज राशिद को यहां पर भी 2 विकेट मिले, तो इन 2 मैचों में तो राशिद नहीं चल पाया, बाकी इन 2 मैचों में राशिद ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये कुछ प्लेयर हैं दोनों टीम्स के जो हेड टू हेड में रिसेंटली काफी अच्छा कर रहे हैं, जिनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। मैं किस किस को लूंगा आगे मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। अब गाइस ग्राउंड और हेड टू हेड के बाद आ जाते हैं हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, देखो ये चीज जाननी जरूरी होती है, वर्ल्ड कप हो रहा है तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको रोजाना वीडियो बताता हूँ। क्लेव ये आपके वेस्ट इंडीज के कैप्टन थे जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था, तो लगातार 2 वर्ल्ड कप इन्होंने जीते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने भी लगातार 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, ये 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप इन्होंने जीते हैं, तो ये 2 कैप्टन ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी कैप्टन 2 बार वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी सचिन तेंदुलकर ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, सचिन ने अभी तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 2278 रन बनाए हैं। और इस तरीके से बॉलिंग की बात करें तो ग्लेन मैकग्रा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हैं बॉलर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 72 विकेट लिए हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, ठीक है। आप सोचोगे यार ये क्या फालतू चीजें बता रहे हो, हालांकि आपको फालतू लगेंगी बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपके क्रिकेट में इंटरेस्ट बढ़ता है। अब गाइस आगे हम बात कर ले मैच प्रेडिक्शन। देखो भाई आपको कुछ भी लगे कि बांग्लादेश की टीम और अफगानिस्तान की टीम में अफगानिस्तान के पास थोड़े से हिटर हैं, अच्छी टीम है, बट मेरे हिसाब से ना एक्सपीरियंस बोलेगा और इस मैच को बांग्लादेश की टीम जीत जाएगी, ठीक है। अगर आपको भी ये लगता है कि बांग्लादेश की टीम मैच जीतेगी तो इस चीज का आप फायदा उठा सकते हो। मैंने कल पाकिस्तान और नेदरलैंड के मैच में फायदा उठाया, बहुत सारी चीजें मैंने प्रोबो पे सिर्फ यस और नो करके पैसा कमाया है। देखो प्रोबो एकमात्र ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर सिर्फ यस और नो करना होता है किसी चीज को लेकर के, अगर आप श्योर हो तो पैसा आपका, जैसे बांग्लादेश अफगानिस्तान है, अगर आप श्योर हो कि अफगानिस्तान विन करेगी तो यस कर दो, अगर आपको लग रहा है बांग्लादेश विन करेगी तो नो कर दो। मैच के बाद अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ तो आपको ढेर सारा पैसा प्रोबो पे कमाने का मौका मिलेगा। ये बस मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि जैसे बांग्लादेश क्या पहले 3 ओवर में 20 रन बना पाएगी, मेरे हिसाब से शायद नहीं बनाएगी, तो मैं नो करूंगा, आप भी नो करके यहां से पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि क्या अफगानिस्तान पहले 10 ओवर में 2 विकेट निकाल पाएगा, 10 ओवर में 2 विकेट बांग्लादेश के आगे शायद मुश्किल है, नो कर सकते हो।
ज्यादा सिक्सेस कौन मारेगा, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, मेरे हिसाब से तो अफगानिस्तान वाले शायद थोड़े से ज्यादा सिक्सेस मार सकते हैं, तो मैं अफगानिस्तान को इस पे क्लिक करके पैसा कमा लूंगा। तो ये तरीका है भाई पैसा कमाने का, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। जैसे आपको प्रोमो को डाउनलोड करना पड़ रहा है और उस पर आपने यस और नो करके पैसे कमाने, तो जिसने डाउनलोड नहीं किया है सोचो मत, मैं बहुत सारे पैसे यहां से कमा रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ और प्रोबो ऐप को डाउनलोड कर लो, डाउनलोड पे आपको 25 रुपए का बोनस भी मिलेगा। अब देखो हम बात कर लेते हैं यहां पर फ्री गिव अवे के बारे में। गाइस देखो तीन क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सिंपल सिंपल, बहुत ज्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना, जस्ट आपने प्रिडिक्शन करना है कि आज के इस मैच में सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, गुरबाज, इब्राहिम जादरान, शकीबुल हसन या लिट्टन दास वगैरह, कोई भी जो आपको लगता है आप उसका नाम डाल सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में आंसर में। अभी दो क्वेश्चन और है, दोनों सुनो, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही कमेंट में करना है और आपने हैशटैग मार के आपने बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान लिखना है अपने कमेंट में, ठीक है? उसके बाद अपना आंसर दर्ज करा देना है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा प्लेयर आज विजन इलेवन पे सबसे ज्यादा पॉइंट देगा, क्या लग रहा है? शकीब, अगर शकीब लग रहा है तो आप शकीब का नाम डाल करके अपना आंसर दे सकते हो, सही बात है, आपको पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा कि तस्कीन अहमद आज कितने विकेट लेगा, दो तीन चार, कितने लेगा, जो भी आपको आंसर लग रहा है, जीरो भी लग रहा है जीरो भी आप डाल दीजिएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आप हैशटैग बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान डाल करके अपना आंसर दर्ज करा दीजिए, अगर आपका आंसर सही हुआ तो आपको ढेर सारे पैसे मिलेंगे। बट इसमें एक कंडीशन है, आंसर सही होने के साथ साथ आपने वीडियो को लाइक होना चाहिए, शेयर होना चाहिए और चैनल आपका सब्सक्राइब होना चाहिए, तीनों चीजें तो आप अभी कर लीजिए, ठीक है, ये जरूरी है। और टेलीग्राम भी ज्वाइन होना चाहिए, टेलीग्राम तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से आपकी फाइनल टीम बनती है। अब गाइस बात कर रहे हैं प्लेइंग इलेवन, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ओपनिंग, लिटन दास और आपके तंजीद हसन करेंगे, उसके बाद आपके नजमुल हुसैन है, तौहीद हरोई है, शकीबुल हसन है, फिर आते हैं आपके मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्ला, मेहदी हसन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिज और आपके शरीफ इस्लाम, ये बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन इस मैच में होने वाली है। अब गाइस इस प्लेइंग इलेवन में सबसे पहले हम देख रहे थे लेफ्टीज कितने हैं, भाई आप लेफ्टीज देख देख के ना परेशान हो जाओगे, इस टीम के पास इतने सारे लेफ्टी हैं, ये छोड़ करके, ठीक है, एक लेफ्टी, दो लेफ्टी, तीन लेफ्टी, ठीक है, टॉप ऑर्डर के आप देखोगे पांच में से तीन लेफ्टी हैं, ठीक है, पांच में से तीन लेफ्टी हैं। तो सामने जो आपके नबी और आपके मुजीब हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेक, भाई उनसे बहुत ज्यादा बॉलिंग करवाई जाएगी स्टार्टिंग में जब ये लेफ्टीज खेल रहे होंगे, खासतौर पर 40 ओवर तक, तो उन दोनों में से आप किसी एक को और दोनों को ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में, और इवन नबी को तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। अब गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं इस टीम में मोस्ट ऑफ द ओवर कौन डालेगा, शरीफुल, मुस्तफिज और आपके तस्कीन, इनके 10-10 ओवर जाने चाहिए, कोई कटेगा नहीं, मेहदी हसन मिराज, इनके लगभग 6 से आप 10 ओवर मान सकते हो, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बोल रहा है, सामने लेफ्टी होंगे तो ज्यादा डाल देंगे, नहीं होंगे तो थोड़ा कम डाल देंगे। उसके बाद आते हैं आपके शकीब, इनके 10 जाने पूरे चाहिए, ठीक है, अब इनके ओवर जो कटेंगे अहमदुल्ला खाते में जाएंगे, इसी याद रखिएगा। अब गाइस इस टीम में डेथ में आपके एक तो मुस्तफिज कराएंगे इनके साथ में शरीफ इस्लाम, तस्कीन तो अपने स्टार्टिंग में ही पूरे कर देते हैं। अब देखो ये हो गई आपकी प्लेइंग इलेवन की बात, अब इसमें से हमारी टीम में कौन कौन से प्लेयर होंगे और क्यों होंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं अपनी टीम में लिट्टन दास करूंगा, ठीक है, तंजीद को ले सकते हो, रिसेंट में काफी अच्छा कर रहे हैं बट फिलहाल मैं नहीं ले रहा, नजमुल को मैं ले रहा हूं, तौहीद हरोई वर्ल्ड एशिया कप के लगातार 2 मैचों में 2 हाफ सेंचुरी मार के आए थे, ले सकते हो बट मैं नहीं ले रहा, शाकिबुल हसन को लूंगा, मुशफिकुर रहीम को भी नहीं ले रहा, अभी ये इतना अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं रहे यार, ठीक है, अदरवाइज प्लेयर अच्छा है मैं तो इनको लूंगा नहीं, महमूदुल्लाह ले सकते हो आप एज ऑलराउंडर बट मैं फिलहाल नहीं ले रहा हूँ, मैंने सिर्फ 3 बैट्समैन से काम चलाया है। उसके बाद मैं मेहदी हसन मिराज को लूंगा, ऑलराउंडर सेक्शन में बॉलिंग बहुत ज्यादा नहीं करेंगे और बैटिंग भी बहुत ज्यादा नीचे करेंगे, तो आप चाहो तो इनको ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बैट्समैन ले सकते हो या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो। तस्कीन को मैं लूंगा और आपके मुस्तफिज को लूंगा, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 6 प्लेयर लिए हुए हैं, इसमें से मेहदी हसन मिराज को ड्रॉप करके मैं कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, लास्ट टाइम पे टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मैं क्यों किसको ले रहा हूँ मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, देखो भाई लिटन दास लास्ट के 2 मैचों में आप देखोगे तो 1 हाफ सेंचुरी मारी है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 6 रन बनाए थे, एशिया कप में फ्लॉप रहे थे, मतलब अभी फिलहाल ये एक मैच छोड़ दो तो फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट 47 का एवरेज काफी अच्छा है और वनडे क्रिकेट में अभी ये फिलहाल पिछले 3-4 महीने पहले काफी अच्छे फॉर्म में थे, और अभी शायद सेम टीम आ गई जिसके अगेंस्ट ये रन बनाते हैं तो शायद इस मैच में अच्छा कर सकते हैं। उस बाद तंजीद हसन ने लास्ट के 2 बार का 4 मैचों में काफी अच्छा किया है, एशिया कप में फ्लॉप रहे थे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फ्लॉप रहे थे, तो इसकी वजह से मैं इनको लूंगा नहीं।
बाद नजमुल हुसैन आप देख लीजिए, लास्ट के मैच में वर्ल्ड कप में तो 2 रन बनाए, बाकी उसके पहले एशिया कप में 2 बड़ी इनिंग खेल के आ रहे हैं। इस टीम के अगेंस्ट एशिया कप में सेंचुरी मारी थी, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेना इंपॉर्टेंट है, काफी टेक्निकल बैट्समैन है। तोहिद है, तोहिद का आप देख लीजिए, अभी फ्लॉप वार्म अप मैच में, लेकिन एशिया कप में आप देखोगे तो इन्होंने 2 हाफ सेंचुरी मारी थी, बट उसके बाद लगातार 4 इनिंग में फ्लॉप चल रहे, तो इसकी वजह से बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहा। अब शकीब उल हसन है, शकीब उल हसन का आप देख लीजिए, ये बंदा फ्लॉप नहीं होता, रन भी बनाता विकेट भी निकालता है, और इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले खुद देख लीजिएगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, ठीक है, इनको लूंगा और कैप्टन वाइस कैप्टन करूंगा। मुशफिकुर रहीम है, रिसेंट में कोई बड़ी इनिंग आई नहीं है, एशिया कप में जरूर एक मैच में 64 बनाए थे, बाकी स्टार्ट मिल रहा है, 20-25 बना रहे, उसको ऊपर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। इस टीम के अगेंस्ट आप देखोगे 35 कवरेज है, ठीक है, डिसेंट है, आप ट्राई कर सकते हो, बट लिट अंदाज ज्यादा अच्छे हैं। महमूदुल्लाह आप देखिए, लास्ट का मैच इन्होंने खेला वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, अब कीजिएगा वार्म अप में, उसके पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्टार्ट लिया, उसको बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए, बॉलिंग तो कभी कभी कराते हैं, और इस टीम के अगेंस्ट 10 मैचों में सिर्फ 4 विकेट मिले हैं, हालांकि एवरेज काफी अच्छा 44 का। मेहदी हसन मिराज भाई, ये बंदा गजब है, वार्म अप मैच देखो भाई, 64 रन 67 रन 1 विकेट, कहीं भी बैटिंग कर रहे हैं बट रन बना रहे हैं। मैं भी हो सकता हूँ ओपनिंग कर ले अगर इन्होंने तंजीद हसन को नहीं खिलाया तो। उसके पहले एशिया कप में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, एक मैच में सेंचुरी भी मारी थी, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस कर रहे थे। तस्किन वार्म अप में सिर्फ 1 विकेट मिला, बट उसके पहले एशिया कप में 3 विकेट 4 विकेट, काफी गजब बॉलिंग कराई थी इस टीम के अगेंस्ट, ऑलरेडी हर मैच में 2 विकेट ले चुके हैं, 10 मैचों में 19 विकेट, तो तस्किन अहमद काफी इंपॉर्टेंट होंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद आपके मुस्तफिज रहमान है, इन्होंने भी काफी अच्छा किया है, अभी रिसेंट में 2 विकेट लास्ट वर्ल्ड कप में वार्म अप मैच में, उसके पहले 5 विकेट लिए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसके पहले एशिया कप में लिए थे लास्ट मैच में 3 विकेट इंडिया के अगेंस्ट, तो काफी अच्छा ये भी कर रहे हैं, और इसलिए मैं इनको टीम में लूंगा, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। शरीफ इस्लाम भाई अच्छा तो ये भी कर रहे हैं, बट रिसेंट इनका उतना अच्छा नहीं है, 2 मैचों में 2 विकेट, उसके पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 विकेट, और मतलब यार क्या करें, शरीफ मुस्तफिज और आपके तस्कीन फॉर्म में, तीनों विकेट निकाल रहे हैं, इन्होंने भी इस टीम के अगेंस्ट 5 मैचों में 10 विकेट लिए हैं। अब डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कि 3 में से 2 ले रहे हैं या 3 ले रहे हैं, अगर टीम पहले बॉलिंग कराएगी तो शायद मैं 3 ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो पहले बॉलिंग कर रही है वो सामने वाली टीम को ऑल आउट कर रही है। अब जो भी होगा, जिसको भी मैं लूंगा, मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। बाकी जो उनके प्लेयर है, हसन महमूद है, मेहदी हसन है, महसूम अहमद है, तंजीम हसन शकीम है, ये शायद खेलेंगे नहीं, अगर कोई खेलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर लास्ट मोमेंट बता दूंगा लेना है नहीं लेना है। तो ये बांग्लादेश की बात हो गई, अब अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। रहमान अग्रवास, इब्राहिम जदरान, ये दोनों ओपनिंग करेंगे, उसके बाद रहमत शाह राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, राइट हैंड बैट्समैन है, बॉलिंग बहुत कम कराते हैं ना के बराबर। शाहिद है कैप्टन, नजीबुल्ला जदरान है हार्ड हिटर बैट्समैन, मोहम्मद नबी है, उसके बाद आपके हजमतुल्लाह अमरजई है, राशिद खान है, और उसके मुजीबुर रहमान है, फिर आपके नवीन उलक है, और आपके फाजिल फारूकी है। फारूकी गजब के बॉलर हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। अब देखो इस टीम में सबसे पहले हम देख लेते हैं राइट और लेफ्ट, राइट हैंड कितने बैट्समैन है, जाके आपको पता चल जाए कि शकीब और आपके मेहदी हसन मिराज में कौन कितने ओवर कराने वाला है। तो आप देखो यहां पर सबसे पहले गुरबाज लेफ्टी है, ठीक है, और उसके बाद आपके रहमत शाह लेफ्टी है, बाकी यहां पर नजीबुल्ला जदरान भी लेफ्टी है, टॉप ऑर्डर के 5 बैट्समैन में से 3 लेफ्टी हैं, तो आपके मेहदी हसन मिराज पूरे 10 ओवर डाल देंगे स्टार्टिंग में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होगा मेहदी हसन मिराज को टीम में रखना, और इसलिए मैंने फिलहाल लिया हुआ है। और देखिए अब इस टीम में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द ओवर कौन डालेगा, नवीन मुजीब और फजलक फारूकी 10-10 जाने चाहिए, राशिद के 10 जाएंगे, बाकी जो बचेंगे आपके 10 ओवर, एक काम हो सकता है उमर जई के ओवर कट सकते हैं या फिर नबी के ओवर कट सकते हैं, और अगर नबी को ज्यादा ओवर देंगे तो फिर आपके मुजीब के ओवर कट सकते हैं, तो इनमें से किसी के ओवर कटेंगे, ठीक है, अब जो भी होगा जैसी भी होगा हम देख लेंगे पिच के हिसाब से कि किसके कितने कट सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर हमें अपने टीम में प्लेयर ले लेंगे, और ये सारी चीजें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर बता सकता हूँ। डेथ में आपके फजलक फारूकी कराएंगे, उनके साथ में मोस्ट प्रोबेबली आपके नवीर उलक, हो सकता है अजमतुल्लाह भी करा दें, लेकिन ये दोनों ही मोस्ट चांस हैं कि डेथ में बॉलिंग कराएंगे। अब देखो वहां से तो हमने ले लिए 5 प्लेयर या 6 प्लेयर, इधर से किस किस को लेना है, मैं गुरबाज को लेना चाह रहा था बट नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास लिटन दास है, इब्राहिम जादरान को लूंगा, मैं शाहिदी को लूंगा, शाहिदी का फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, राइट हैंड बैट्समैन है, नबी को टीम में रखूंगा, फिर मैं राशिद को लूंगा और फारूकी को लूंगा, ये मैंने 5 लिए हुए हैं, आप चाहो तो
मुजीब और नविल को ले सकते हो, बट मैं नहीं ले रहा, मैं इन पांच को लूंगा। अगर इनमें से कोई नहीं खेला या टॉस के हिसाब से पिच विच कुछ अलग हुई, तभी मैं चेंजेस करके जो फाइनल टीम होगी आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अब देखो मैं क्यों किसको ले रहा हूं, आपको आगे दिखा देता हूं प्लेयर वाइज। तो गाइस रमन अग्रवास 119 बनाए वार्म-अप में, 151 बनाए पाकिस्तान के जो एशिया कप हुआ था उसमें, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाया था माफ कीजिएगा, बाकी उसके अलावा सारी की सारी इनिंग्स में फ्लॉप चल रहे हैं। इस टीम के अगेंस्ट आप देख लो पिछले 6 मैचों में 2 सेंचुरी है, खासतौर पर पिछले 5 मैचों में ही, बट जब बनाते हैं तो सेंचुरी बनाते हैं, नहीं तो फ्लॉप होते हैं तो पूरे तरीके से फ्लॉप ही हो जाते हैं। ये इनका अभी तक का लास्ट का कुछ मैचेस में रहा है, 49 का एवरेज है, आप चाहो तो ले सकते हो एट टू एड में। इब्राहिम जदरान ये बड़ा गजब का बल्लेबाज है, आप इनकी एवरेज देखो और ये क्रिकेट की 53 का एवरेज है इनका, और इस टीम के अगेंस्ट भी 59 का एवरेज है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन की काफ़ी अच्छी चॉइस होंगी। रिसेंट में आप देखिए एशिया कप में काफ़ी अच्छी किया, पाकिस्तान के अगेंस्ट 80 बनाए। रहमत शाह को आप देख लीजिए लास्ट मैच में 93 बनाए वार्म अप में, उसके पहले एशिया कप में लगातार 2 मैचों में अच्छा स्कोर किया, हाँ उसके पहले 3 इनिंग लगातार फ्लॉप रही है, बट इस टीम के अगेंस्ट भी आप देखोगे तो थोड़ा सा फ्लॉप ही चल रहा है, तो इसकी वजह से पिक नहीं कर रहा। अदरवाइज अगर आप रिसेंट को सिर्फ देख कर लेते हो तो अच्छे प्लेयर होंगे और अच्छा आपको पॉइंट देखे जा सकते हैं। रहमत के साथ साथ शाहिदी को तो मैंने लिया हुआ है, लास्ट के 2 मैचों में हाफ सेंचुरीज मारी, उसके बाद वार्म अप में खेले ही नहीं, और इस टीम के अगेंस्ट 28 का एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं है। आप चाहो तो उसको देखते हुए रहमत शाह को ले सकते हो इनकी जगह पर। नजीबुल जदरान थोड़ा सा तेज खेलते हैं, उसकी वजह से 10-15 पे आउट हो जाते हैं। आप हेड टू हेड भी देखोगे तो 275 बनाए और इसमें एक हाफ सेंचुरी, बाकी 10-12 ही रन बनाते हैं हर मैच में, ठीक है, तो इसलिए मैं इनको लूंगा नहीं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है मोहम्मद नबी, रन भी बनाते हैं विकेट भी निकालते हैं, ठीक है, 65 रन बनाए लास्ट के एशिया कप के मैच में, उसके पहले 3 रन और उसके पहले 3 रन और उसके पहले 29 रन 2 विकेट, ये 4 विकेट मिले थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसके बाद लगातार ये बंदा फ्लॉप चल रहा था एशिया कप एंड तक, कोई विकेट नहीं मिल रहा था, बट वार्म अप में इन्होंने 4 विकेट निकाल लिया आते ही, ठीक है। हेड टू हेड आप देख लो तो 15 मैचों में 17 विकेट है, 21 का एवरेज है, डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं है कैप्टनसी के लिए, बाकी टीम में लेने लायक है। अब इसके बाद ओमर जई को आप देखिए 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, इतने मैचों में सिर्फ एक ही विकेट मिला है, हाँ रन बना देते हैं जब मौका मिलता है। हेड टू हेड आप देख लो 5 मैचों में सिर्फ 2 विकेट, तो बॉलिंग में लेने में कोई फायदा नहीं, इनके ओवर भी कट जाते हैं। राशिद खान है, राशिद खान को आप देख लीजिए हेड टू हेड में 12 मैचों में 19 विकेट, काफी अच्छा है, और रिसेंट जो इनका एशिया कप रहा था वो भी ठीक ही रहा था, कभी बैटिंग से कभी बॉलिंग से पॉइंट देखे गए थे। मुजीब रहमान राइट आर्म ऑफ ब्रेक, सामने लेफ्टीज होंगे, और रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस ठीक रहा है, पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 विकेट निकाले, उसके बाद फिर एक विकेट एशिया कप में, फिर 2 मैचों में 2 विकेट, मतलब 25-30 पॉइंट देखे जाते हैं, और एक आध विकेट एक्स्ट्रा मिल गया तो ज्यादा दे जाएंगे। हेड टू हेड आप देख लो 10 मैचों में 13 विकेट है, तो डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं है, आप चाहो तो ले सकते हो, फिलहाल मैंने नहीं लिया है। नवीन उल हक आप देख लीजिए 1 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, मतलब अच्छा कर रहे हैं आयरलैंड और आपके वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट से, बाकी एशिया कप में ड्रॉप किए गए, ठीक है। बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 मैचों में 2 विकेट, डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं है। अब इनके अलावा आप इनका देखिए भाई फजल फारूकी का, रिसेंट तो उतना अच्छा नहीं है, एशिया कप फ्लॉप रहा था, 2 मैचों में 0 विकेट रहा था, बाकी इस टीम के अगेंस्ट आप देखोगे तो 7 मैचों में 14 विकेट, हर मैच में 2 विकेट की एवरेज से इन्होंने विकेट निकाले हैं, तो आपके लिए फजल फारूकी काफी इंपॉर्टेंट होंगे और शायद मैं टीम में लूंगा, आप भी ले सकते हो। अब गाइस इसके अलावा अब्दुल रहमान है, इकराम अली खलील है, नूर अहमद है, रियाज हसन है, इनमें शायद वो खेलेगा नहीं, अगर वो खेलता है तो फिर मैं आपको टेलीग्राम पर टॉस के टाइम पे बता दूंगा कि इसको लेना है नहीं लेना है। अब गाइस बात आ गई प्लेइंग 11 प्लेयर स्टेट्स के बाद आपके प्लेयर बैटल पे, तो प्लेयर बैटल आप देख लीजिए फारूकी, दास और रहीम को ठीक ठाक परेशान कर लेते हैं, खासतौर पर रहीम को, तो इन्होंने सिर्फ 12 बॉल में 2 बार आउट किया है। राशिद आपके शकीब और रहीम, शकीब को 50 बॉल में 2 बार आउट किया है और रहीम को 124 बॉल में 4 बार आउट किया है। मुजीब और नबी भी आपके सैंतो और खासतौर पर शकीब और रहीम को परेशान कर लेते हैं, बाकी उतना ज्यादा नहीं। अब इधर देख लो आप, ये तो आपके बॉलर हो गए अफगानिस्तान के, अब बॉलर देख लीजिए बांग्लादेश के, तस्कीन अहमद भाई जलवा है इनका, तस्कीन अहमद का जलवा है, रहमत शाह को सिर्फ 77 बॉल में 5 बार आउट किया है, और इसके अलावा अगर दूसरा किसी के जलवा है तो आपके तस्कीन का नबी के अगेंस्ट है, 39 बॉल में 3 बार आउट किया है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके प्लेयर बैटल, एक एक को एक्सप्लेन करूंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो ये प्लेयर बैटल है। अब इसके हिसाब से आप, अगर आपको लग रहा है कि तस्कीन रहमत को आउट कर देगा तो तस्कीन को ले लो और रहमत को ड्रॉप कर दो, ये फायदे होते हैं आपको प्लेयर बैटल दिखाने के। अब आ जाते हैं हम मैच प्रिडिक्शन, और मैच प्रिडिक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर सेशन वगैरह खेल रहे हो या आप बैटिंग वगैरह कर रहे हो या फिर आप
यस और नो पैसा लगा रहे हो तो आपको प्रिडिक्शंस का पता होना चाहिए। धर्मशाला पिच थोड़ा सा अच्छा होता है बॉलर्स के लिए, है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोर नहीं बनता, तो अगर आप सेशन वगैरह खेल रहे हो तो मोस्ट ऑफ द सेशन नोट में जाएंगे, मोस्ट ऑफ द सेशन आप नोट करके पैसा कमा सकते हो। उसके अलावा 250 से लेके 270 का यहाँ पे स्कोर होगा, ठीक है। इब्राहिम जदरान और लिटन दास दोनों या दोनों में से कोई एक 50 प्लस बनाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके मुस्तफिज रहमान और फजलक फारूकी, ये मेरे हिसाब से दोनों शायद दो दो विकेट ले सकते हैं, और अगर दोनों ने नहीं भी लिया तो एक कम से कम दो विकेट लेगा, नबी होगा गेम चेंजर, चाहे विकेट लेकर के चाहे पिट करके, मेरे हिसाब से नबी इस मैच में परफॉर्म अच्छा करेगा, तो नबी को टीम में रख लीजिएगा और कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। अब गाइस ग्रैंड लीग के कुछ प्लेयर्स बता देता हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था, डीलीडे बताया था आपको कल ग्रैंड लीग में, और आपको कॉल अकरमैन बताया था ग्रैंड लीग में, ठीक है, आपको रिजवान बताया था ग्रैंड लीग में, तो ऐसे ही आज कुछ प्लेयर मैं आपको बता देता हूँ। आपके रहमत शाह एक अच्छे ग्रैंड लीग के पीस हो सकते हैं, और गुरबाज अगर चल गए तो आप 100 प्लस ही देखोगे गुरबाज के, ठीक है। उसके बाद उमर जई कोई ज्यादा उम्मीद मत करना, मेहंदी हसन मिराज आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप डिफरेंशियल करना चाहते हो कुछ अलग कुछ न्यू तो उमर जई को ग्रैंड लीग की किसी एक टीम में ले लेना, क्योंकि सारे प्लेयर ड्रॉप करेंगे, और अगर उमर जई ने 2-3 विकेट भी ले लिए तो आपकी रैंक ऐसे दौड़ेगी ऊपर के लिए 1 करोड़ की तरफ, ठीक है। शरीफ इस्लाम, राशिद खान, मुजीब, इसमें मुजीब आपके लिए आज ग्रैंड लीग के अच्छे पिक हो सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। बाकी ग्रैंड लीग की जो मेरी टीम होगी इस मैच के लिए, मैं ग्रैंड लीग की जो टीम दूंगा जिसमें आप 1 करोड़ 2 करोड़ विन कर सकते हो मेरी टीम के साथ, वो आप मैं आपको अपने इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम का ब्रॉडकास्टिंग जो चैनल है उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाओ लिंक पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और वहां पर आपको मेरे बायो में ब्रॉडकास्टिंग चैनल का लिंक मिलेगा, FCG ग्रैंड लीग टीम्स, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर टॉस के बाद आपको फ्री में टीम्स यहाँ पर मिलने वाली है। अब गाइस फिलहाल जो मैंने स्मॉल लीग की टीम बनाई हुआ आप देख लीजिए, विकेट कीपर मैंने लिटन दास को लिया हुआ है, आप चाहो तो रहीम और गुरबाज को ले सकते हो, बट मेरे को इन पर ज्यादा भरोसा है। शैंतो को लिया हुआ है, शाहिदी को लिया हुआ है, जिदरान को लिया हुआ है, आप शाहिदी की जगह पर चाहो तो रहमत को ले सकते हो जो कि रिसेंट में अच्छा कर रहे हैं, या फिर आप ले सकते हो यहाँ पर हरिदोई को, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। मेहदी हसन मिराज, शकीबुल हसन और नबी को लिया हुआ है, आप यहाँ पर ले सकते हैं महमूदुल्लाह को, बट मैं दोनों को ले रहा हूँ, मिराज और आपके नबी को भी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जिस तरीके से दोनों टीम्स का प्ले 11 है लेफ्ट और राइट इसका, इनको अच्छी खासी बॉलिंग मिलने वाली है और अच्छे खासे विकेट निकालने वाले हैं। फारिकू को लिया हुआ है, तस्किन को लिया हुआ है, मेहदी हसन मिराज को लिया हुआ है, राशिद को लिया हुआ है। अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग कराएगी तो मैं डेफिनेटली शरीफ इस्लाम को भी टीम में लूंगा, अब किसको ड्रॉप करूंगा वो मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। तो ये मेरी टीम, अब इसमें जैसे भी जो भी चेंज होगा मैं आपको फाइनल टॉस के टाइम पे टेलीग्राम बता दूंगा। तो भाई जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है, फैंटेसी क्रिकेट ग्रुप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको टॉस के बाद फ्री में टीम मिलेगी, फ्री में टिप्स मिलेंगे, फ्री में बहुत सारे गिवअवेज मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं टेलीग्राम पर, बेस्ट ऑफ लक।